नमस्कार, दी ऑर्चर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना शर्मा। विजय देवरकोंडा के जेजेएम विक्की कौशल के सेम बहादुर और बहुत कुछ भारतीय सैनिकों पर आधारित पांच आने वाली फिल्में। विजय देवरकोंडा के जेजेएम विक्की कौशल के सेम बहादुर, कंगना रनौत के तेजस और बहुत कुछ फिल्म देखने वालों की भारतीय सैनिकों पर आधारित कई फिल्में देखने को मिलेगी। विजय देवरकोंडा जेजेएम आज विजय देवरकोंडा के नई फिल्म जेजेएम जन गण मन की आधारिका घोषणा की गई है। फिल्म पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित की जाएगी और मोशन पोस्टर से स्पष्ट संकेत मिलता है कि फिल्म भारतीय सेना पर आधारित है। घोषणा कार्यक्रम में पूरी ने कहा, यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं कई सालों से इस फिल्म को बनाने में मौका का इंतजार कर रहा हूँ और आखिरकार यह हो भी रहा है। यह सब विजय की वजह से है। यह एक काल्पनिक कहानी है, देशभक्ति और युद्ध की तरह की फिल्म, और नायक एक सेना अधिकारी है। यह अपने देश के बारे में, एक सैनिक के सपने के बारे में है। यह एक प्रेरणादायक फिल्म है। विक्की कौशल सैम बहादुर। विक्की कौशल अभिनीत सैम बहादुर सैम मनोकौशल पर एक बायोपिक है जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के थल सेना थे। फिल्म में सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख भी है। आदिवासी शेष मेजर। आदिवासी शेष स्टारर मेजर संदीप उन्नीकृष्ण के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने मुंबई 26/11 हमलों के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह फिल्म 27 मई 2022 के तीन भाषाओं तेलुगु, हिंदी और मलयालम में बड़े पर्दे पर हिट होने के लिए तैयार है। ईशान कट्टर पिप्पा। ईशान कट्टर, मृणाल ठाकुर और प्रियांशु पेन्यूली अभिनीत पिप्पा ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता के बारे में है। फिल्म 70 के दशक में से सेठ है और यह 9 दिसंबर 2022 को रिलीज होने वाली है। कंगना रनौत तेजसी। कंगना रनौत स्टारर तेजसी निस्संदेह साल की सबसे बहुप्रेक्षित फिल्मों में से एक है। सर्वश्रेष्ठ मेवाड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म कंगना द्वारा निभाए गए एक IAF अधिकारी पर आधारित है। यह 5 अक्टूबर 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरें सुनने के लिए जुड़े रहे दी ऑर्चर्ड के साथ। धन्यवाद।